राष्ट्रीय मुद्रीकरण के मकसद का खुलासा करे सरकार। चिदंबरम का आरोप, संपत्तियों को बनाने में वर्षों लगे, उन्हें लुटाने में जुटी सरकार। अफगान पर चीन की पैनी नजर, बगराम एयरफोर्स बेस समेत हवाई अड्डों पर नियंत्रण करने का कर रहा विचार। सिद्धू को अध्यक्ष बना फायदे से ज्यादा नुकसान का डर, अब कांग्रेस आलाकमान पर इसका दबाव। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला का बड़ा बयान, पाकिस्तान ने तालिबान को पनाह दी, हम उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम पर पुनर्विचार करे केंद्र, सीएम स्टालिन ने लिखा पीएम को पत्र। पीएम मोदी ने की अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात, क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर हुई चर्चा। प्रदेश के बच्चों को बाल सेवा योजना से जोड़ेगी योगी सरकार, मिलेंगे 2,000 रुपए प्रति माह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्वी यूपी में बाढ़ प्रभावित महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के बाद योगी राहत शिविर का दौरा भी करेंगे। फिर से कोरोना की दस्तक, सिर्फ केरल महाराष्ट्र में 250 लोगों की मौत, एक दिन में दर्ज हुए 42,000 से अधिक नए मामले। शिविरों के जरिए बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंची आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।